गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य कैप्चर्स। तो कल जैसे कि आपको बताया था कि अपन बागेश्वर धाम जी के दर्शन नहीं कर पाए, तो कोई नहीं, आज जाएंगे अभी सुबह 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 तो नहीं, 12 बजे अपन जाएंगे। और अभी पहले ब्रेकफास्ट करते, तो देखते आसपास में, यहाँ तो अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था कॉम्प्लीमेंट्री में, तो बाहर जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। और अभी सारे नहा रहे हैं, भाई नहा रहे हैं अंदर से, फिर सारे रेडी हो जाते हैं, निकलते हैं, फिर लेट्स गो। चेंज करना पड़ेगा। और भाई यहाँ तो खजुराहो में गर्मी रायपुर से ज़्यादा लग रही है, मतलब इतनी तेज धूप है, ओए हो। और फिर इसमें तबीयत ख़राब हो जाती है यार, 3 स्टेट का मैंने सर्दी झेल ली इसके चक्कर में। चलो अभी चलते हैं, सामान वामान थोड़ा रखते हैं और गाड़ी थोड़ी साइड करते हैं। भाई नंबर प्लेट भी लगाना है इसका, जैसे छाँव तो कहीं दिख नहीं रहा, थोड़ा ठंडा कर दे। बाकी हवा हल्का ठंडा है ना, अभी तेज है धूप लेकिन थोड़ा ठंडा है हवा, उसर लगा देते। भाई साहब गाड़ी पूरी इतनी जद्दन मार रही है, हल्का शीशा खोलना ही पड़ेगा। छाँव में लगा देते हैं, तब तक की गाड़ी ठंडी हो जाएगी, मम्मी पापा भी आ जाएंगे। कितना डिग्री, 37 डिग्री चल रहा है, वो भी अभी मार्च के समय में। अब बताओ गर्मी में फिर क्या हालत, मतलब कि आराम से इधर 45 तो छू देती होगी लग रहा है मेरे को। चलो भाई, तो पहले जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। कहाँ जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए? लगाना गूगल में। ब्रेकफास्ट ही करेंगे ना पहले, ब्रेकफास्ट कहो या खाना कहो, ब्रंच 12 बजे तो जो है, मैं तो उधर हाँ वो तो खा लेता था 12 बजे, खाना ही खा लेता था 12 बजे। लेकिन एकदम कट टू कट है, वैसे अपनी पार्किंग स्किल्स तो अच्छी है। और देख रहे हो भाई, मर्सिडीज GLC भी आई है MH नंबर प्लेट की। ओ भाई ये तो जी है यार, मर्सिडीज जी यार। इस बस वाले के चक्कर में अपने को भी थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये भाई डाल रहा है, बस डालो भाई डालो डालो यार। चलो भाई लग गई है मर्सिडीज एकदम चिपका के, निकालते हैं GoPro। भाई इधर निकलने का भी सफिशिएंट स्पेस है, थोड़ा थोड़ा शीशा खोल दूंगा भाई। मेरे को लग रहा है ये आज ही में 40 डिग्री ना चले जाए भाई, 36 डिग्री तो अभी है, तो होपफुली जा सकता है 40 डिग्री भी। लेट्स गो, चलते हैं भाई नाश्ता करते, भूख लग रही बड़ी तेज, 11 भी बज गए। भाई तो मैं खजुराहो में वही बात कर रहा था, यहाँ पर ज़्यादा आपको नॉनवेज नहीं दिखेंगे, वेजिटेरियन ही दिखेंगे। और मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ के लोग ज़्यादा ड्रग्स वगैरह में भी इन्वॉल्व होंगे, ड्रग्स या फिर दारू सिगरेट जो भी है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कम हो गए यहाँ के लोगों के, काफ़ी सीधे से लोग हैं। बाकी चलते हैं यार लाला जी की रसोई, यहाँ से जितने बारी में खजुराहो आया हूँ, 3 तीसरी बार है मेरा, हमेशा यहीं से मैं खाना वाना खाता हूँ यार, ये वेट क्यों कर रहे थे, चले जाते तो चलो चलते हैं। चलो टापुल करते हैं नाश्ता वाश्ता, चल चल पंखा चालू करने बोलूँ। देख लो भाई क्या, सबसे पहले आया मेरा गोभी पराठा और सबसे लास्ट में मैंने किया था ऑर्डर, ये लोग बस देख रहे हैं तब से। क्यों भाई क्या था, ओनियन पराठा मिक्स पराठा भाई, खा लो ना तो टेस्ट करो, टेस्ट करो। दे 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 हम हाँ इसे ऐसा कर दे, इसमें नमक नहीं डाला क्या? इसे मैं बता रहा हूँ कैसे खाते हैं भाई, डोसा को पहले ऐसे तोड़े, फिर मैं पोहा ऐसे डाले, और फिर ऐसे चटनी, और फिर आए लाना दे 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 ना दे। ये तो कैसे अजीब सा दिख रहा है भाई का पराठा, है ओनियन पराठा। चलो मैं बता रही हूँ जो मिक्स पराठा है ना, नमक नहीं डालना है, तो ये इसको तो पोखर लिए ना, इसको कट कर दिया नहीं, ठीक है भैया भाई का भी ओनियन पराठा अच्छा है दिखने में, नो डाउट उतना अच्छा नहीं है,
लेकिन भाई मेरी पराठा थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं तो पोहा और डोसा खा ले रहा हूँ। बढ़िया, मम्मी का भी डोसा आ गया, पापा का डोसा चल रहा है, मैंने ख़त्म कर लिया अपना। ठीक ठीक था, सबसे बेस्ट इसका ही था मिक्स पराठा, फिर इस भाई का था ओनियन पराठा, सबसे बेस्ट मेरा था। नहीं नहीं, डोसा भी अच्छा था उनका, मैंने तो बता दिया मेरा उतना बढ़िया नहीं था। चलो चलते हैं अभी, लेट्स गो। ये सब क्या है दिन रखा था, ये टिश्यू फेंकना या पोहा? मैं नीट एंड क्लीन खाता हूँ थोड़ा सा। हमारी तरफ कचरा फेंक फेंक के जो बॉल बना के फेंका है उसने फेंका है। मैंने फेंका है, मैंने फेंका है, ये भी मेरी गलती नहीं, नहीं मेरी गलती। हाँ तेरी गलती है। अभी हम निकले थे होटल से और हमको ये शॉप मिला, तो मम्मी ने बोला कान्हा जी के लिए ये पिचकारी ले लेते छोटी सी, और इसको देखो मैं ऐसी फॉर्च्यूनर चलाता हूँ। होली की तैयारियाँ, वास्ता हो गया है, चलते हैं अब बागेश्वर धाम। तो लेट्स गो भाई, गर्मी पीक में है, देखते हैं टेम्परेचर कितना हो रहा गाड़ी में बैठ के। और अपनी फॉर्च्यूनर वही खड़ी है भाई, फॉर्च्यूनर में धीरे धीरे मॉडिफिकेशन कराएंगे, तब तक के वीडियो के लिए वो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। अभी धीरे धीरे चेंजेस करेंगे, तो क्या ये चेंजेस अपने को काफ़ी अच्छे से फील होंगे, मतलब कि ऐसा नया नया सा होते रहेगा। ओए चिड़िया क्या हो गया, अरे यार चारी चिड़िया, पानी वानी दे दे क्या इन्हें, चलो निकल जाएगी वो। छाओ भाई, धूप इतनी हो रही है भाई, सारों से ये है कि जहाँ पे भी आप रहते हो चिड़ियों को पानी दे दिया करो, गायों वगैरह को, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलते हैं अभी, कितना डिग्री हो गया है, टेम्परेचर अभी मीट करके नहीं दिखा रहा है, लेट्स गो। सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, हवा एकदम ही गर्म है और धूप भी बहुत ही तेज है, 37 डिग्री हो गए हैं भाई, और ये 40 में आज ही पहुंच जाएगा लग रहा है। तो चलते हैं, दर्शन होते हैं कि नहीं देखते हैं अभी आगे, फोटो जाने चाहिए यार होपफुली। तो अभी क्या भाई, तो यहाँ पे दरबार भी लगा शास्त्री जी का, बढ़िया आवाज़ तो आ रही हल्की हल्की सी। भाई तभी पहले अपन दर्शन कर ले भाई, जो मेन चीज़ है दर्शन। चलते, भीड़ तो दिख रही है वैसे अभी भी, देखो अभी ज़्यादा ही लंबा लाइन है यार, क्योंकि वहाँ से लेकर पूरा अंदर वहाँ ऊपर मंदिर है, तो एक घंटा तो लाइन में ही लग जाएगा लग रहा है। चलो यार इतना दूर आया, दर्शन तो करके जाऊँगा मैं लाइन में लगाऊँ, फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये लोगों को तो बुला लूँगा। अब ये लोग छाव में जा रहे हैं, लगते हैं भाई लाइन में काफ़ी तेज़ धूप है, और भाई अपन गलत ही आगे चले गए थे, जब तक के आए वापस तब तक इतनी भीड़ और बढ़ गई थी यार। कोई बात नहीं, लास्ट में यार लाइन। चलो भाई, गर्म आज भी गड़बड़ थी, बहुत ही धूप में आ गए, खैर कोई बात नहीं, यहीं तक है बस, इसके बाद तो छाव मिल जाएगा, फिर आगे मंदिर में भी है थोड़ी लाइन, लेकिन ठीक है वो छाव छाव की होगी। तो स्ट्रगल जो है बस यहीं गए, कर लेते थोड़े स्ट्रगल भाई, बस ये धूप वाली इतनी बची यार, जल्दी ख़त्म हो जाए भाई। हेलो भाई, रनिंग ट्रैफिक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सारे लोग चल ही रहे हैं। भाई 2:15 हो गए, 1:40 को लगे हुए थे अपन लाइन में, और अभी कुछ इतना है, वहाँ से स्टार्ट किया है कुछ, ठीक है बीच में पहुँच गए प्रोसेस के, और उधर है थोड़ी सी धूप वाली जगह, कोई नहीं चलते हैं अभी। भाई आखिरी है कुछ लाइन में आ गए, वैसे लाइन तो काफ़ी लंबी है, उधर तक भी जा रही है दिख रहा होगा, चलते हैं। लेकिन कितना बज गया, 2:30 बज गया, आधा घंटा शायद और लगेगा लग रहा है, लेट्स गो भाई। अभी रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है, धूप वाला बहुत तेज लग रहा है अभी, इतना 40 डिग्री हो गया होगा लग रहा है,
मेरे नाक वाक सब लाल हो जाएंगे थोड़ी देर। ये आ गए हैं अब मुझे निवेदन भैया और व्यवस्था में सहयोग कीजिए। जो भी भक्तियां श्रद्धालु रास्ता में आपके निवेदन है। यहाँ पे थोड़ा भीड़ हो गया है, पूरा प्रोसेस ठीक था, बस यहाँ पर थोड़ा ना ऐसा हुआ। तो भाई ऐसा था सब कुछ माहौल बागेश्वर धाम जी का। और शनिवार का दिन था तो जो प्रेत आत्मा वाले रहते हैं वो भी लाइन में लगे हुए थे। हालांकि उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और ऐसा था कुछ मंदिर का, बट हालांकि मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिया अंदर क्योंकि अलाउ भी नहीं था उस दिन और भीड़ भी बहुत थी। तो भाई दर्शन वगैरह हो गया, प्रसाद ले रहे हैं, दद्दू भाई गया है वही ले लेगा सबका। और ये प्रसाद तो वो अपने जो चढ़ाए थे, चलते बढ़िया से दर्शन हो गया। वैसे अंदर में अलाउ नहीं था कैमरा, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये मंदिर क्या दे रहे हैं चढ़ाने का, तो प्रसाद नहीं, यही प्रसाद है जो अपन चढ़ाए थे। ठीक है चलो फिर चले, हो गया दर्शन, बढ़िया बढ़िया हुआ ना, हो गया बढ़िया से दर्शन। बोले लाइन में डेढ़ घंटा लगा, नहीं लेकिन दर्शन अच्छा हुआ, शांति। चलो चलते हैं, भाई हो गया दर्शन वगैरह, टीका भी लगा दिए, चलते हैं। भाई ठंडा तो नहीं है, रियल चंदन नहीं है लेकिन जल बढ़ा रहा है, बढ़िया से मिलावट वाला चंदन होगा, चलते हैं अभी। भाई हो गया बढ़िया से दर्शन वगैरह, चलते हैं अभी। उधर वेट कर रहे हैं सारे, बहुत गर्म है भाई गाड़ी, यहाँ से अपन देखना भाई बढ़िया से चढ़ाएंगे गाड़ी और चलते हैं, लेट्स गो। भाई यही हल्का फुल्का सा फन होता है 4x4 व्हीकल्स का। अब ये चढ़ाई इतनी कैमरा में स्टीफ तो नहीं लग रही है कि अच्छा खासा स्टीफ था, क्योंकि बाय द वे ये कोई चढ़ाने का जगह नहीं था, इसका एक्चुअल जगह था पार्किंग का आने का, वो अलग से था, ये मैंने चढ़ा दिया था, इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन कैमरा एंगल से ये तो दिख रहा है कि गाड़ी काफ़ी ऊपर चढ़ी थी। तो यही सब फन है 4x4 व्हीकल्स का, बढ़िया। भाई दर्शन वगैरह करने के बाद सारे थक थका के सो जाते हैं और फिर हम सीधा उस दिन शाम को निकले थे। मैं भी उस टाइम फिर रिकॉर्डिंग नहीं किया था शाम को। बाकी अगर आप खजुराहो आ रहे हो तो ये चाचा के पास ज़रूर आना, स्ट्रीट फूड के नाम पे चाट खा लेना, यहाँ से काफ़ी अच्छा रहता है इनका चाट। और आगे देखो फूड ब्लॉगर बन जाऊँगा नेक्स्ट में, अब बहुत गर्म है तो भूख ही रही, तू ही खा। आलू चाट खा रहा हूँ भाई, आप तो खाए नहीं होंगे, खाना है ना तो लखनऊ आ जाना बस। खजुराहो बस बंद कर दे भाई, टेस्ट कर ले तो बढ़िया। बहुत गाली खाएगा तू अगर गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं कि अच्छा है करके। चप्पल ले सही मैं अंकल को अभी यहाँ पे पीछे मार बात करना है। एक और फूड ब्लॉगर आ रहे हैं। क्या है भाई, एक चम्मच तोड़ के रखा, उसको चम्मच देना ऐसे कैसे खा रहे कि चम्मच तोड़ा है। अगर आपको ये चाचा का चाट खाना है तो आ जाइए बाबू चाट भंडार, जो कि है खजुराहो में मेन स्ट्रीट में, ये वाली स्ट्रीट है, आजू बाजू दिखा देता हूँ, पार्किंग भी जस्ट सामने अपना कैफे एंड रेस्टोरेंट के सामने, और पार्किंग के जस्ट सामने लाला जी की रसोई, वहाँ का खाना हाँ, उसका नाश्ता बढ़िया नहीं था लेकिन खाना बढ़िया था, नाश्ता भी बढ़िया ही था। और डेजर्ट में यहाँ आ जाना शिव शक्ति में फालूदा। बेसिकली आप खजुराहो आ रहे हो तो कॉन्टैक्ट आ देते हो। हाँ भाई मैं सब्स्टिट्यूट में फूड ब्लॉगर भी हूँ लेकिन हाउएवर अभी डाइट वाइट चल रही है, थोड़ी मसल वसल गेन कर रहा हूँ, तो फिर भी सब फेल रहा है। हाँ वो तो अभी लूट गया आदमी यहाँ आके, कोई बात नहीं। अरे ऊपर अच्छा बाबू कैफे के ऊपर में ये भी है, बाबू अंकल का कैफे भी है, इन भाई का इन अंकल। अच्छा 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 अलग है ये आइटम, ठीक है। लेकिन हाँ चाट यहाँ का बढ़िया है, थोड़ा सा ऊपर आप तीखा डलवा लेना, मीठा कर देते हैं अंकल आगे, ठीक है। पानी पूरी अच्छा खाना है, अरे वो तो बंद है जो अपने खाते हैं, अरे अरे लॉस हो गया बाकी हमारा। हाँ तो ये चौपाटी है,
पानी पूरी यहाँ पे बढ़िया मिलता है, बाकी चाट तो वहाँ की बढ़िया रहती है। आज हम चलो यहाँ खाते हैं मस्ताना, मस्ताने वाले से खाते हैं, देखते हैं फिर कैसे देता है भाई। वरना अपन जनरली इस भाई के यहाँ से खाते थे पानी पूरी, आज बंद है तो आज मस्ताने वाले से खाना पड़ेगा। भाई यहाँ का है, हर बारी खाते अपन यहाँ से, दूसरी बारी होगा फालूदा, बढ़िया रहता है। और पानी पूरी तो उसका भी अच्छा था जहाँ से अपन खाए हैं इस बारी। वो लोग मोमोज लेने के लिए गए हैं, बाकी मम्मी पापा फालूदा खाएंगे, मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा, बाकी उतना मन तो नहीं है। मोमोज आ गया फ्राइड वाला, पूरा आज स्ट्रीट फूड हो गया हमारा, चाट पानी पूरी फालूदा फ्राइड मोमोज, बढ़िया। फालूदा भी आ गया है बढ़िया से, कैसा है? बढ़िया। मम्मी लोग खा रहे थे, मैं मेडिकल दुकान के लिए निकल गया था, बेल्ट चाहिए यार, क्या 13 घंटे का सफ़र रहता है तो उसमें बैग थोड़ा हल्का सा सपोर्ट ले हो जाता है, ठीक लगता है उसमें। वो कह तो रहे हैं ये वाले दुकान के पीछे में मेडिकल स्टोर है, उसमें मिल जाना चाहिए। देखो अभी मेडिकल तो नहीं है, यह मेडिकल दुकान है क्या? वही सही मिल गया। अब तुम्हारा भाई कंटिन्यूस खींच सकता है, वरना बीच बीच में यार थोड़ा ब्रेक ले लेता था मैं, क्या है कमर में स्ट्रेस पड़ता था, तो अब ठीक है भाई, बैक ऐसे सीधे रहेगी ना तो बढ़िया रहेगा। डेड लिफ्ट भी ले सकता हूँ भाई मजाक कर रहा हूँ। चलते हैं अभी, मम्मी लोग वहीं पे वेट कर रहे हैं फालूदा वाले के पास, लेट्स गो। देखो आजकल के बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में चले जाते हैं बड़े बड़े काम करने के लिए, पान बनवा के रखा है लेकिन ऑनलाइन के पास है नहीं अभी। क्यों भाई ऑनलाइन नहीं है ना? हेलो भाई, कितना हुआ? 50। डीजल टॉप अप करा रहे हैं, 100 किलोमीटर पर चल पाते जितना डीजल था अभी में, तो करा लेते हैं ऑटो कट। क्या बोल रहे हो? 8000 का चल जाएगा। कितना लीटर है? 93 लीटर है, सस्ता है रायपुर से। वहाँ जो बाकी अपन डलाए थे वो एक्स्ट्रा गेन था, इसलिए 97 था, वहाँ मतलब 95 रहा होगा, 2 रुपये महंगा रहता है एक्स्ट्रा गेन। ठीक है सस्ता पड़ रहा है, यहाँ डीजल डलवा लेते हैं फिर सीधा छत्तीसगढ़ में डलवाएंगे। तो वॉशर फ्लूड भी ख़त्म हो गया था, ये डाल देते हैं। अबे एक बॉटल में तो कुछ नहीं हुआ होगा लेकिन अपना काम चल जाएगा। चलते हैं भाई अंदर से भी साफ़ करानी गाड़ी, देखो यहाँ से इतनी गंदी हो गई है। और उस दिन मैं ब्लू एड ब्लू डाला था, थोड़ा सा गिरा होगा यहाँ पे पेंट वगैरह, खैर डैमेज तो नहीं हुआ है। बंद करते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस आ गए थे अपन वापस, खाना वाना खा के बढ़िया से स्ट्रीट फूड वगैरह हो गया, और कल सुबह रिटर्न हो जाएंगे वैसे 5 बजे तक। तो मैं सोच रहा था कल जो अपन जाएंगे वो छतरपुर वाले रोड से जाए। अब देखो मैं रात में देखता हूँ गूगल मैप वगैरह कि कौन सा रास्ता सस्ता पड़ रहा है, थोड़ा सा कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पहुँचा रहा है, क्योंकि कल रात तक पहुँच जाना है भाई। परसों थोड़ा काम था, कल थोड़ा काम था रात को, तो वो कराना है। और ये ऊपर ऐसे कुछ सीटिंग है रेस्टोरेंट की, बाकी पता नहीं ये चालू क्यों नहीं है, रेस्टोरेंट नीचे वाला चालू है, बाकी ये भी काफ़ी अच्छे सीटिंग है, यहाँ पर अगर लाइट वगैरह चालू कर दे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। बाकी फैमिली नीचे बैठे ही, चलता हूँ नीचे ही, और ये वाली वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग तक के, तब तक के लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय।